इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गॉसिप बर्ड पे एजेंसी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर गॉसिप बर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर आईडी बना लेनी है, जैसे मैंने अपनी आईडी बना ली है, ठीक है। और ये जो आपका गॉसिप बर्ड आईडी है, इसको आपको आपके बीडी को देना है। जब भी आपका गॉसिप बर्ड आईडी आपके बीडी को दोगे, वो आपके आईडी पे ऐसे गॉसिप डेटा वाला ऑप्शन एक ऑन कर देंगे, जिसके थ्रू आप अपनी आप एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी गॉसिप बर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। गॉसिप बर्ड में एजेंसी ओनर होता है मर्चेंट और मोटिवेटर होता है होस्ट। तो हमको तो एजेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो हम मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना सेल्फी अपलोड करूँगी। आप डायरेक्ट सेल्फी भी ले सकते हो या फिर गैलरी से अपलोड कर सकते हो। और मेरा नाम, उसके बाद मेरा गॉसिप बर्ड आईडी, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद मेरा मेल आईडी। यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी करेक्टली फिल करना है, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आपको आपका जो भी आपका एजेंसी अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या फिर क्या डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फ़िलहाल इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं मर्चेंट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है। तो जैसे अभी तो मुझे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डालनी, इसलिए मैं ओनली बैंक अकाउंट लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके एजेंसी का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ प्रिया एजेंसी। यहाँ पे आपको मर्चेंट लोगो, मतलब आपको आपके एजेंसी का लोगो अपलोड करना। इट इज़ ऑप्शनल, आपकी चॉइस है आपको अपलोड करना है या फिर नहीं करना है। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं करना, सो मैं नेक्स्ट टू कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा नेशनल आईडी, जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपना दे रही हूँ एजेंसी अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालूँगी। 1111 2222 2222। ओके, ये है टैक्स आईडी नंबर। इट इज़ ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी, आपको डालना है तो डाल दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी, यहाँ पे मैं अपना नेशनल आईडी अपलोड करूँगी, जैसे मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर रही हूँ। ओके, उसके बाद मैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे मुझे अपने आधार कार्ड के साथ सेल्फी अपलोड करनी है। ओके, ये मेरा आधार कार्ड के साथ सेल्फी। ओके, और ये सारी डिटेल्स होने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे मेरा एजेंसी का फॉर्म फिल हो गया। ओके, तो आपको आपके बीडी को इन्फॉर्म करना है कि आपने एजेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर आपका बीडी आपकी एजेंसी को अप्रूव करेगा। जैसे कि वेट, मैं आपको भी यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, जैसे मेरी एजेंसी अप्रूव हो गई, मुझे ऐसा मेल आ गया। ये मेरा मर्चेंट कोड, ये मेरा एजेंसी कोड होगा। और सेकंड में है मेरा यूज़र नेम, जो मेरा डैशबोर्ड है उसका, और ये मेरे डैशबोर्ड का पासवर्ड है। थैंक यू।